करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप जन्मों जन्मों के बाद इस स्तर पर आए हैं, कई इस धरती पर आते हैं कि हमारी जब उम्र के थे तब वो सब वेद शास्त्र जान गए थे। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य बहुत छोटी उम्र में 8 वर्ष की अवस्था में सब ग्रंथ पढ़ चुके। थोड़ी ही उम्र में तमाम ग्रंथों पर भाष्य कर चुके। 32 वर्ष की उम्र में सारे देश में मठों की स्थापना करके धर्म की स्थापना के लिए बड़े काम किए। अपन 32 वर्ष में सयाने होते हैं। तो आप भाग्यशाली हो, इस छोटी उम्र में इस ज्ञान भारतीय विद्यालय में पढ़कर अपना जीवन उज्ज्वल बनाएं। और बताएं, कई पौधे लगाए जाते हैं तो काट छांट करके सुंदर बनाते हैं। उन पौधों का ठीक करने वाला माली बाहर रहता है जो काटता छांटता है, और उसको पानी देने वाला, खाद देने वाला, सही खाद देने वाला बाहर रहता है, पर इस शरीर रूपी पौधे का मालिक इसके भीतर रहता है। इसको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी भीतर वाले की, जो भीतर रहता है। तो तुम शरीर को ठीक काट छांट कर सकते हो, पर कैंची से नहीं। आप रोज आसन कर, कितनी कमर करनी है कमर कर सकते हो, जंघा कैसी बनानी, वैसे एक व्यायाम का भी है। वो लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर शरीर बनाते हैं, पर योग जो है शरीर को सुंदर सुडौल स्वस्थ बनाने की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। आपके सारे अंग सही बन जाएंगे। भगवान राम का जब हमने वर्णन सुना उसमें था समः समविभक्तांगः। राम सम है, समविभक्तांग है, कम्बुग्रीवः, गर्दन उनकी कम्बुग्रीव है। उनके कैसे चेहरे हैं, भगवान राम के चेहरे का वर्णन आता है प्रसन्नताम या नगताभिषेकता, अर्थात जब राज्य मिल रहा था राज्य तिलक तो खिला नहीं, हंसे नहीं, और जब वनवास हुआ तो कुमलाए नहीं। आपका रिजल्ट ही आपके मन का ना हो तो चेहरा उतर जाएगा, आपकी बात ना पूरी हो तो चेहरा उतर जाता है। आपको थोड़ा कोई डांट दे आपके हित के लिए तो आपका मुख ठीक नहीं रहता। राम वनवास में जाते हैं तब भी प्रसन्न चेहरा रहता। तो देखो, हम राम के जीवन से सीखें। अभी अभी जब बैठे तो हमारे मन में आया, राष्ट्र तुम्हें देता है सब कुछ। राष्ट्र तुमको देता है, समाज देता है, परिवार देता है, परिवार खिलाता है, पढ़ाता है, पर जब तुम सयाने होगे तो तुम माता को, पिता को, देश को, समाज को क्या दोगे। ये विद्यालय भी किन्हीं लोगों ने दिया है, किन्हीं की पुण्य कमाई से विद्यालय बना है। जब तुम कमाने लगोगे, योग्य बनोगे, तब क्या करोगे। तुमको भी पैसे का उचित खर्च करना, जहां लगाना चाहिए लगाना। इसी तरह से पढ़ाई में भी उस पेड़ को क्या खाद देनी माली जानता है, तुम्हें शरीर को क्या देना जानकारी भी कर सकते हो, और देते समय सावधानी। अभी अभी कह रहे थे, मान लो स्वास्थ्य के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है, पर व्यापारी लोग अपना सौदा बेचने के लिए टेलीविजन में प्रसारित करते हैं, तो
तो जब बच्चों के सामने टीवी में वो खा के दिखाता है तो वही कहोगे माँ से हमें ये चाहिए, हम ये खाएंगे। जबकि दुकानदार अपने सौदा को बेचने के लिए प्रशंसा करता है, गंदी आदतें डालता है, तो तुमको टीवी के आधार पर नहीं रामायण के आधार पर जीना सीखना है। भोजन का चुनाव योग ग्रंथों के आधार पर करना है, भोजन का चुनाव धर्म के अनुसार करना है, टीवी के अनुसार नहीं करना। ऐसे जीना है। बड़े बड़े देश में महान हुए, गांधी हुए, विनोबा हुए, विवेकानंद हुए, टैगोर हुए, रमण महर्षि हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ऐसे ही मंगल पांडे हुए। तो देश में एक से एक अच्छे लोग हुए। हमारा काम है हम भी अच्छे बने, और बनने का काम हम पर निर्भर है, थोड़ा गार्जियन पर, थोड़ा स्कूल के आचार्यों पर, और फिर बाद में अपनी जिम्मेदारी आप संभालनी है। हम एक्टर सिनेमा वाले जैसे बनाएं तैसा बने नहीं, जैसे यहाँ स्कूल में आए हो, यहाँ जो ड्रेस कपड़े पहने हैं स्कूल ने निर्णय किया, विद्यालय ने निर्णय किया है, पिक्चर वालों ने नहीं। तो हमको बाहर भी ये ड्रेस भले न पहनो, पर वो ड्रेस पहनो जो हमारे भारत के लोग पहनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल है, ना कि मन के। मन के अनुसार न खाओ, न मन के अनुसार कपड़े पहनो, न मन की किताबें पढ़ो। जो पुस्तकें आपके हित के लिए हैं वही पढ़ो, वही चित्र घर में टांगो जिनको देखकर हमें अच्छी प्रेरणा मिले। गंदे चित्र मत टांगो, गंदी। तो ये जीवन के लिए कुछ बातें सीखने की हैं। आप बहुत अच्छे हो, आपके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। समय का अभाव है, हम आगे कहीं जाना है, पर जब मैं बच्चों के बीच आता हूँ आने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हम समझते हैं कि इस युग में आपको पढ़ाई का सुविधा का बहुत लाभ है, पर आज हमको बिगड़ने के बहुत साधन उपलब्ध हैं, अच्छाई के कम बुराई के ज़्यादा हैं। हमें देखने को सुनने को बुरा ज़्यादा मिलता है, अच्छा कम मिलता है। तो इसलिए ऐसे समय पर सावधानी की बड़ी ज़रूरत है। जब कोई बीमारी फैलती है तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इस समय समाज के बिगड़ने के रोग फैल रहे हैं, वहाँ बहुत जिम्मेदारी है। और बताएं, यदि स्वादिष्ट जहर हो तो आदमी खा जाएगा। आजकल संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से समाज को जहर दिया जाता है। जब हम महर्षि अरविंद के आश्रम पांडिचेरी गए थे तो वहाँ हमने देखा, सुना और देखा कि वहाँ मनोरंजन और मनोरंजन मन का नहीं, जो वो लोग चुनाव करते हैं वैसा मनोरंजन, क्योंकि मनोरंजन ही करते करते समाज बिगड़ता है। तो सात्विक स्वस्थ मनोरंजन, ऐसे ही संगीत के माध्यम से कई लोग भक्ति भावना जगाते हैं, और संगीत के ही माध्यम से समाज को बिगड़ने वाले गीत भी सुनाए जाते हैं। तो हमारी सावधानी ये है कि हम गीत गाएं अच्छे, पुस्तकें पढ़ें अच्छी, और मनोरंजन भी ऐसे खेल कूद करें कि स्वास्थ्य भी बने, मन भी ठीक बने। तो आप बहुत बधाई के पात्र हो। और यहाँ कोई हमारे लोगों ने कहा होगा तो शायद जवाब देर में पहुँचा, तो कल मुझे पता चला रात को कि यहाँ कार्यक्रम है, तो मेरे दो कार्यक्रम पहले से अभी हैं, तो मैंने कहा नहीं रखो। कहने लगे उनको कहा गया था, अब हाँ कर ली तो दिया गया। पर ये बात सच है, दिल से कहता हूँ कि आज बच्चों में काम करने लायक है। तुम ही इस देश के भविष्य हो, इस देश की नाक हो।
नाक हमारी बड़ी होनी चाहिए कि कटनी छोटी होनी चाहिए? तो नाक नाक हमको बहुत ऊंचा करती है। नाक ना हो तो हम जाने क्या करते, अर्थात यदि इज्जत की परवाह ना होती, नाक ना होती तो हम जाने कितने गलत रास्ते पर जाते। नाक हमें बचाती है, और जो नाक का ख्याल रखेगा वो गणेश हो जाएगा, जगत का पूज्य हो जाएगा। नाक कटाएगा क्या पूज्य होगा? इसलिए नाक बड़ी होनी चाहिए, हमारे इज्जत के काम करें, बेइज्जती वाले काम नहीं करें तो बहुत अच्छे हो। और अपने नकल करनी है, सीखना है तो अच्छे लोगों के अनुसार चलो। महाजनों एन गता सपंथा, जिस रास्ते से महान लोग गए हों उस रास्ते से चलना चाहिए। महर्षि अरविंद देश की आज़ादी के लिए जेलों में थे, लेकिन बाद में निकल करके उन्होंने सोचा कि युद्ध ही, लड़ाई ही आज़ादी नहीं देती, विचारों की भी बड़ी ज़रूरत है। अभी अभी हम एक विद्यालय में गए तो देश के जमीन जायदाद को, अधिकार को आज़ादी मिली, वह भी एक स्वतंत्रता है। पर मनुष्य का चरित्र उज्ज्वल होवे, राष्ट्रभक्त लोग होवें, ये भी हमारे को अभी आज़ादी चाहिए। हम अच्छे बने, अभी हम मन से गुलाम हैं, कोई अंग्रेजी का गुलाम है, कोई बुरी संस्कृति का गुलाम है। हम अपने देश की संस्कृति को उज्ज्वल बनाएं, ऐसा हमारे अंदर बल आना चाहिए। स्वामी एक विवेकानंद विदेशों को हिलाया है, आज भी उनका नाम है। इनमें कितने विवेकानंद बने, रामतीर्थ बने, टैगोर बने, महर्षि अरविंद बने। महर्षि अरविंद का भी विदेशों में भी प्रचार है। उनकी जो शिष्या थी श्री माँ, वो विदेश से उनका सपना देखा, और जब देखा अरविंद को, लगा यही हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा था, तो अनुयायी बनी। और विश्व में, बाहर के देशों में भी महर्षि अरविंद का प्रचार है। तो हमारे देश के अच्छे लोगों का विदेश में सम्मान है, पर हम लोग विदेश का कचरा यहाँ लाने में लगे पड़े हैं। तो तुम तो अभी बच्चे हो, इससे सावधान रहना, अच्छे लोगों की चीज़ सीखना, क्योंकि यही जिंदगी अच्छी बनाने की है, और इसी में बुरे संस्कार पर जाते हैं। अभी ज़रूरत तुम्हें कुछ नहीं, पर यदि आदत अच्छी बन जाएगी तो जब बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका विकास होगा, तब भी तुम्हारी अच्छी आदत साथ देगी। और यदि अच्छी आदत नहीं बनी तो जब सयाने होगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता पकड़ लोगे, किधर चले जाओगे। तो आदत अच्छी बन जाए तो रोकती है। हम छोटे से भाई बहन बंधुओं की संस्कृति में जीते हैं, तो जवान होके भी भाई बहन रहते हैं, हमारे माँ रहते, पर जिनमें संस्कार नहीं, जानवर जब बड़े होते हैं तो उनमें कोई भाई बहन पिता माँ नहीं रहते। इसलिए संस्कार हमें जीवन देने वाले हैं। मनुष्य दो बार पैदा होता है, जानवर एक बार पैदा होता है, मनुष्य दो बार। पहले तो माँ के पेट से, मनुष्य से, रक्त से, खून से पैदा हुए ये शरीर है। दूसरा हमारा बौद्धिक शरीर है, जो शास्त्र से, गुरु से बनता है। इसलिए मनुष्य दो बार पैदा होता है, एक बार माता पिता से, दोबारा गुरुओं से, ग्रंथों से बनता है। जो गुरु और ग्रंथ जो हमारा शरीर बनाते हैं, दिमाग का, वही इस शरीर का भी संचालन करता है, वही देश का संचालन करता है। इसलिए हमारी बुद्धि का निर्माण ग्रंथों से होता है। इसलिए हमारे यहाँ एक जाति का नाम है द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का नाम द्विज है, अर्थात जो ग्रंथों के अनुसार जीते हैं वे द्विज हैं, और जो नेचर के अनुसार जीते हैं वो एकज हैं। वो वीर्य से, रक्त से, बिंदु सृष्टि, एक बार बिंदु सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि। हमको दूसरा जन्म जरूर लेना है, पर दूसरा जन्म यदि अच्छा गुरु नहीं हो, जैसे गधे का बच्चा गधा, सुअर का सुअर होता है, तो यदि बुरा समझाने वाले हैं तो हमारा बुरा जन्म हो जाएगा, बुरे बन जाएंगे। क्योंकि शरीर तो बन गया, बुद्धि बनानी है, बुद्धि शास्त्र से बनती है। जिनके अंदर दूसरा जन्म हो जाएगा बुद्धि का, वो द्विज हो जाएंगे, फिर उनके देह का, राष्ट्र का संचालन द्विज करेगा,
बुद्धि करेगी, और यदि कुबुद्धि है तो वो चलाएगी। इसलिए अधिक न कहकर यही समाप्त करते हैं। आपके भाग्य की और आपके विद्यालय के आचार्य गणों की सराहना करते हुए हम ये कहेंगे कि तुम सदग्रंथ पढ़कर बड़े लोगों की राय से अपना जीवन बनाओ। एक बार तो जन्म हो गया जहाँ हो गया, अब जन्म तुम अपनी मौज से चुनाव कर सकते हो। हमको क्या बनना है, ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, वीर बनना है, भक्त बनना है, देश के रक्षक बनना है, हम चुनाव करें और बना सकते हैं। एक बार एक्सीडेंटली हम पैदा हुए, अब हम योजना बनाकर जन्म ले सकते हैं। यही भारत की संस्कृति है। ओम शांति शांति शांति।